पवित्र 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 सिंहासन के ऊपर विराजमान सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रीज द लॉर्ड, प्रीज द लॉर्ड, प्रीज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु हर एक जीवन से स्वर्गीय पिता आपका आदर सम्मान हो। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड फादर धन्यवाद करते मेरे अब्बा, मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे फादर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते मेरा उद्धार, मेरा चट्टान, मेरा ढाल, मेरा गढ़, मेरा रक्षक, सहायक यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तारनहार, पालनहार, सृजनहार खुदा प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु जी। इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु आपके हजूरी में आते हैं स्वर्गीय पिता, और उन लोगों को भी जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु सुनकर ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, आपके हजूरी में लाते हैं प्रभु, आपके संगति में लाते हैं प्रभु, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट लाते हैं। एक एक लोगों के ऊपर, एक एक जनों के ऊपर आपकी अनुग्रह बनी रहे, आपकी दया बनी रहे, आपकी कृपा प्रभुता करुणा बनी रहे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं। उनके सर पर महान पिता परमेश्वर आपकी पहरा बनी रहे स्वर्गीय पिता, ये लोग प्रभु आपके पनाह में रहने पाए, आपके पंखों की तले शरण लेने पाए प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु, दया करे इनका पूरा फैमिली स्वर्गीय पिता आपके छत्र छाया में रहने पाए प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की पूरे दिन आप हम सबों के संग थे, साथ थे, और अभी भी परमेश्वर पिता आप हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है स्वर्गीय पिता, अपने कानों को हमारे मुंह के वचनों की ओर किए हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले, हमारा तरस खाने वाले, हमारा शुद्धि लेने वाले परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा, पवित्र खुदा, सबों के लिए भाला खुदा यीशु नासरी आपका धन्यवाद करते प्रभु। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आज के दिन में हम सबों से महान पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन से प्रभु जो गलती पाप अपराध हुआ है स्वर्गीय पिता प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमें अपने आत्मा में चलाइए स्वर्गीय पिता, पवित्रताई में चलाइए प्रभु, ज्योति में चलाइए प्रभु, ताकि हम सबों से कभी भी कोई गलती पाप अपराध गुनाह होने ना पाए प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए प्रभु जी। हमारे मुख से परमेश्वर पिता जिस किसी के प्रति प्रभु गलत वचन निकला है प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, महान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा कीजिए, जिसके लिए सब कुछ संभव है उसकी स्तुति कीजिए, जो असंभव को संभव में बदलने का ताकत रखता है, जो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का ताकत रखता है, जो कठिन मुश्किल को आसान में बदलने का ताकत रखता है, उसकी स्तुति महिमा प्रशंसा कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु, हमारा सेनाओं का यहोवा धन्यवाद के योग है, स्तुति महिमा प्रशंसा के योग है, आदर सम्मान के योग है, हालेलुया। आपके जीवन में वो जो अद्भुत काम किया है, उन अद्भुत कामों को याद करते हुए उसकी स्तुति कीजिए, आपके जीवन में वो जो चमत्कार किया है, आपके जीवन में वो जो आशीष दिया है, उनको याद करते हुए उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा प्रशंसा
कीजिए, चुप मत रहिए। हालेलुया, अभी तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर आगे भी आपका अगुवाई करता रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका सदा सर्वदा का प्रभु है, सदा सर्वदा का परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको लज्जित शर्मिंदा होने नहीं देगा, कभी आपको दुख विपत्तियों में सड़ने नहीं देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। संकट कलेश में आपके संग रहेगा, मुसीबत में वो आपको हौसला देगा। हालेलुया, सारे कष्टों से वो आपको क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के निकट आइए तो वो भी आपके निकट आएगा। हालेलुया, प्रभु से प्रेम कीजिए तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। सारे प्राण आत्मा देह के साथ प्रभु से प्रेम कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो प्रभु आपकी ओर 10 कदम को बढ़ाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु पता है क्या चाहता है, एक राय के दाने के बराबर आपके अंदर विश्वास को चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर आपके अंदर एक राय के दाने के बराबर भी विश्वास है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, तो आपके जीवन में क्या होगा, चमत्कार होगा, अद्भुत अनोखा काम होगा। आपके लिए कुछ भी मुश्किल, कठिन, नामुमकिन, असंभव नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आइए हम मिलकर परमेश्वर के एक जीवित वचन को देखते, फिर इसके बाद प्रभु से प्रार्थना। भजन संहिता 40 अध्याय के उसका 17 पद के वचन को देखेंगे। इसमें राजा दाऊद कुछ इस प्रकार से कहता है। इस वचन में राजा दाऊद कहता है कि हम दीन और दरिद्र हैं, तो भी प्रभु हमारी चिंता करता है। वो हमारा सहायक और छुड़ाने वाला है। हालेलुया, वो विलंब नहीं करेगा। फिर कहता है 1 और 2 पद में कि जब हम धीरज से उसकी बात जोहते रहेंगे तो वो हमारी ओर झुक कर हमारी दुहाई सुनेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना, विनती को, याचना को, दुआ को, पुकारों को, आवाजों को क्या करेगा, सुनेगा, और हमें सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारेगा। हालेलुया, ओ हमको परमेश्वर, हमको चट्टान पर खड़ा करके हमारे पैरों को दृढ़ करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में मसीह में प्रिय भाई बहन, हालेलुया, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, चिंता करता है। हालेलुया, हम दीन और दरिद्र हैं, फिर भी तो भी परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारे ऊपर तरस आता है, हमारा सुधी लेता है। हालेलुया, वही परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही हम सबों का क्या है, सहायक है, छुड़ाने वाला है। हालेलुया, वो विलंब नहीं करेगा। हालेलुया, वो देर नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे दुख विपत्तियों से, कष्टों से, समस्या से, रोग बीमारी से, कलेश से, मुसीबत से आपको छुड़ा लेगा। हालेलुया, जब आप धीरज से उसका बाट जोहते रहेंगे। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाई बहन, जब आप धीरज से उसकी बाट जोएंगे, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहेंगे, हालेलुया, तो वो आपकी ओर झुक करके आपकी दुहाई को सुनेगा, आपके आवाजों को, आपके पुकारों को, आपके प्रार्थना, विनती, याचना को सुनेगा, और आपको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा और आपके पैरों को दृढ़ करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, कैसे बाट जोहना है प्रभु यीशु मसीह की, कैसे बाट जोहना है। हालेलुया, धीरज से। हालेलुया, तब वो आपकी आवाजों को सुनेगा, आपकी दुहाई को सुनेगा, आपके पुकारों को, आपके प्रार्थना, विनती को, याचना को, दुआ को सुनेगा, और आपकी सहायता, मदद, गाइड करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए प्रभु पर। हालेलुया, धीरज से प्रभु का बाट जोहते रहिए, प्रभु आपके जीवन
में कार्य करेगा, चमत्कार करेगा, अद्भुत अनोखा काम करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। घबराइए मत, हालेलुया, बेचैन मत होइए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या करेगा? सारे कष्टों से, संकट, समस्या से, दुख, विपत्तियों से, रोग, बीमारी से, शैतान से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मत कहिए कि और कितना दिन हम प्रभु में रहेंगे। हालेलुया, जीवन भर जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे तब तक प्रभु के प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जैसे जीने के लिए हर रोज भोजन की जरूरत है, वैसे ही हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, आत्मिक में जीने के लिए प्रभु के वचन और प्रभु की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब आप भोजन छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? कमजोरी हो जाता है और अनेक प्रकार के रोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। हालेलुया, वैसे ही जब आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, बाइबल के वचनों को पढ़ना छोड़ देंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु से बातें करना छोड़ देंगे, हालेलुया, प्रभु के साथ संगति करना छोड़ देंगे, हालेलुया, प्रभु से अलग हो जाएंगे, प्रभु के प्रेम से अलग हो जाएंगे, तो आत्मिक में आप कमजोर हो जाएंगे। और जब आप आत्मिक में कमजोर हो जाएंगे तो शैतान, हालेलुया, आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, दर्द ही दर्द, पीड़ा ही पीड़ा शैतान भर देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, आत्मिक भोजन, हालेलुया, आत्मा की भोजन प्रार्थना और वचन है। हालेलुया, प्रार्थना करना कभी मत भूलिए, हालेलुया, और वचनों को पढ़ना, पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना कभी मत भूलिए, नहीं तो आप आत्मिक में कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया, आत्मिक में मजबूत बनिए। हालेलुया, हर रोज प्रतिदिन प्रभु के साथ संगति कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, यानी कि प्रभु से प्रार्थना और विनती कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और प्रभु के वचनों को देखिए, पढ़िए, सुनिए और उसके ऊपर मनन कीजिए, ताकि कभी आप आत्मिक में कमजोर ना हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, और शैतान आपके जीवन में कार्य ना करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान को अवसर मत दीजिए, अपने जीवन में मत बुलाइए कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते, प्रभु के वचनों को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना छोड़ देते हैं, तो शैतान को आप अवसर देते हैं अपने जीवन में आने के लिए और कार्य करने के लिए। हालेलुया, शैतान को आप खुद अपने जीवन में अपने अंदर बुलाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। और मसीह में प्रिय भाई बहन, जब शैतान आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, तो आपके जीवन में, हालेलुया, कष्ट, समस्या, दुख, बीमारी, ये सब तो आ ही जाएगा। हालेलुया, क्योंकि शैतान का कार्य यही है, हालेलुया, आपको परेशान करना, आपको दर्द देना, आपको चोट पहुंचाना, आपका हानि करना, आपका कुछ नुकसान करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा पर प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए। प्रभु आज की इस प्रार्थना में जितने लोग प्रभु उपस्थित है, शामिल है, हमारे साथ प्रार्थना विनती कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु उनके ऊपर दया कृपा कीजिए। प्रभु एक एक लोग महान पिता परमेश्वर, प्रभु धीरज से परमेश्वर पिता आपका बाट जोहने वाले बन सके। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, धन्यवाद करते। हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह कर जो मसीह भाई बहन परमेश्वर पिता, जो बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग मान पिता परमेश्वर धीरज से आपका बाट जोहते हैं स्वर्गीय पिता, उनके लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, उनकी ओर मान पिता परमेश्वर झुक कर उनकी दुहाई को सुनिए, उनके मुँह के वचनों को सुनिए, उनके आवाजों को पुकारों को सुनिए, उनके प्रार्थना विनती याचना दुआ को सुनिए परमेश्वर पिता और उत्तर दीजिए प्रभु, हाँ आमीन में जवाब दीजिए परमेश्वर, दया कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे खुदावंत खुदे यीशु प्रभु जी, अपनी बड़ी दया उन पर से कभी मत हटाइए स्वर्गीय पिता, हे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी करुणा और सत्यता से निरंतर परमेश्वर पिता उनकी रक्षा होती रहे, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर महान पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति करते तारीफ करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु अनुग्रह कर, एक एक मसीह भाई बहनों को महान पिता परमेश्वर प्रभु सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारिए स्वर्गीय पिता, एक एक लोगों को महान पिता परमेश्वर प्रभु चट्टान पर खड़ा कीजिए प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु उनके पैरों को महान पिता परमेश्वर प्रभु जी दृढ़ बनाइए, प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु सारे कष्टों से, हे पिता परमेश्वर समस्या से मुसीबत से दुख दर्द पीड़ा से प्रभु रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु, अंधकार से महान पिता परमेश्वर एक एक लोगों के प्राणों को छुड़ा लीजिए स्वर्गीय पिता, एक एक लोग महान पिता परमेश्वर प्रभु आपके सामने ज्योति में उज्याला में चलने पाए, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया कर महान पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में अंधकार की शक्तियां हैं स्वर्गीय पिता, दुष्ट शैतान की शक्तियां हैं स्वर्गीय पिता, उस शक्तियां को स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से दाते नष्ट होने पाए, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, शैतान के हरेक योजना प्लान को युक्तियां को महान पिता परमेश्वर भाई बहन के जीवन से असफल कर दीजिए प्रभु, नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति करते तारीफ करते बड़ाई करते, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, इस समय महान पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, आईसीयू में है स्वर्गीय पिता, कोमे में है स्वर्गीय पिता, बिस्तर पर है प्रभु, अनुग्रह कीजिए उनके ऊपर तरस खाइए स्वर्गीय पिता, और उन लोगों को छू लीजिए स्वर्गीय पिता और चंगाई दीजिए प्रभु जी, और लोग प्रभु जिस रोगों से जिस बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर पिता उस रोगों से उस बीमारी से उन लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, मुक्त कीजिए, आजाद कीजिए, स्वतंत्र कीजिए, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते बड़ाई करते, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु ईश्वरों का परमेश्वर धन्यवाद करते, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अभी तक संभालने वाले खुदा, हम सबों का ख्याल रखने वाले खुदा, हम सबों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखने वाले खुदा, प्रभु आगे भी अगुवाई कीजिए, आगे भी संभालिए, आगे भी देखभाल कीजिए, हमारा ख्याल रखिए स्वर्गीय पिता, हमारा देख रेख कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कीजिए परमेश्वर पिता, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हे सत्य मार्ग और जीवन, इस प्रार्थना को जितने भाई बहन जितने बच्चे जितने नौजवान जितने बड़े बुजुर्ग प्रभु विश्वास के साथ प्रभु सुनकर ग्रहण कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, उनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत अनोखा काम कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, चंगाई की जरूरत है परमेश्वर पिता, चंगाई दीजिए प्रभु, नौकरी की जरूरत है नौकरी दीजिए प्रभु, संतान की जरूरत है घर जमीन की जरूरत है परमेश्वर पिता, ऐसा की जरूरत है प्रभु जी, रोटी की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, इन भाई बहनों को जो कुछ की जरूरत है परमेश्वर पिता आप दीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, हर एक प्रकार के रोग बीमारी से समस्या से दुख विपत्तियों से संकट कलेश से प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते इनके जीवन में जो कष्ट है प्रभु उसे कष्टों से छुटकारा दीजिए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रह दया और कृपा
करते, खुदा धन्यवाद करते, हालेलुया। एक एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु चंगा भला सही सलामत सुरक्षित रखिए, प्रभु उनके परिवारों को महान पिता परमेश्वर देखभाल कीजिए, प्रभु संभालिए, रक्षा रखवाली कीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा कमेंट के माध्यम से, हे स्वर्गीय पिता जितने लोग प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को, अपने प्रार्थना विषय को भेजे, होने दे स्वर्गीय पिता उनके एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख लाते, प्रभु अनुग्रह दे और कृपा कीजिए, प्रभु एक एक प्रार्थना विषय का, एक एक प्रार्थना निवेदन का उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए, प्रभु धन्यवाद करते, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बड़ाई करते हुए स्वर्गीय पिता, हे पिता परमेश्वर आपका सम्मान करते हुए स्वर्गीय पिता आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु, जैसे पूरे दिन संभाले हैं वैसे ही परमेश्वर पिता पूरे रात भी संभालिए, प्रभु अच्छी नींद दीजिए, प्रभु एक एक बच्चों को, एक एक नौजवान को, एक एक बड़े बुजुर्ग को, एक एक मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं, अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु संभालिए, देखभाल कीजिए स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभु धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, जिनके घुटनों में दर्द है प्रभु, हड्डी में दर्द है स्वर्गीय पिता, प्रभु चंगा कीजिए, प्रभु आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। जिनके सर में, पेट में दर्द है प्रभु चंगा कीजिए, प्रभु धन्यवाद करते, हालेलुया। छू लीजिए परमेश्वर पिता एक एक लोगों को, छू लीजिए जो हमारे साथ प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता, उन लोगों को छू लीजिए प्रभु, और उनके जीवन में शांति दीजिए, खुशियां आनंद दीजिए परमेश्वर पिता, नई उमंग दीजिए, उनके टूटे हुए उम्मीदों को फिर से जोड़ दीजिए प्रभु, फिर से आंगी को बढ़ाइए प्रभु जी, धन्यवाद करते। उनके हौसला को बढ़ाइए स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और